हमारे इस लोकतंत्र की परंपरा को हम सामूहिक प्रयास से हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं, मतदाता का सम्मान रखें, संविधान की महत्ता केवल अक्षरों तक सीमित न रह जाए। वरिष्ठ नेता बैठे हैं वेंकैया नायडू जी के रूप में, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ वृंदा कराज जी बैठी हैं, वर्षों का इनका अनुभव है। तो ये अभी सुमित्रा महाजन जी ने पढ़ा है प्रधानमंत्री का संदेश, और उसका जो प्रमुख तत्व है वही वो यही है कि ये हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे इस लोकतंत्र की परंपरा को हम सामूहिक प्रयास से हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं और इसको स्वस्थ बनाएं, मजबूती दें, यही उनके जो उनका शुभ संदेश था उसका यह सारांश है। वेंकैया नायडू जी ने अत्यंत शक्तिशाली, उनका भाषण बहुत ही प्रभावपादक था और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और समय समय की कीमत को, उसके मूल्य को हम समझें। बहुत आवश्यक है कि हम जिस मतदाता ने हमें जिस विचारधारा के आधार पर चुना है उस मतदाता का सम्मान रखें, और अगर हम अपनी पार्टी को बदल रहे हैं तो हमें त्याग पत्र दे देना चाहिए। वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस मतदाता के का सम्मान करते हुए त्याग पत्र दे दें। और उन्होंने वही बात जो वृंदा कराज जी ने कही, वही बात वेंकैया नायडू जी ने भी कही, वही बात अशोक गहलोत जी ने भी कही, वही बात पृथ्वीराज चव्हाण जी ने भी कही। सभी ने यही कहा कि जो अंतिम सिरे पर खड़े हैं, जो उनको कैसे आगे बढ़ाएं, जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, आज से नहीं वो सदियों से जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, जिनका तिरस्कार होता रहता है, कभी सम्मान नहीं होता है, इस जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उन्हें ऊपर न उठाएं। तो ये एक सारांश है सभी के भाषणों का। और डॉक्टर लव सांगे जी ने जो कहा, तो हम तो तिब्बत को बहुत प्यार करते हैं, तिब्बत का बहुत सम्मान करते हैं, और तिब्बत के निवासियों से आज से नहीं, ये तो हमारा ऐतिहासिक संबंध है, परंपरागत संबंध है, और हम हमेशा उसका सम्मान करते रहेंगे, ये आश्वासन है। ये एक खासियत थी इस सत्र की कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया, और हमारे भारतवर्ष की ये एक पुरानी विशेषता रही है
कि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचा, हमने पूरे विश्व का हमेशा सोचा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर हम हमेशा चले हैं। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, और जब पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री आयरलैंड के बोले, वर्ल्ड पीस पर उन्होंने बहुत जोर दिया, तो वो और हम और देश और भी अन्य देश मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रयास करें, और विश्व में कहीं पर कोई युद्ध ना हो, कहीं पर भी ज़रूरत ना पड़े कि हम हथियार उठाएं। ऐसी बात उन्होंने कही, और ख़ास करके पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम दोनों देश साथ आएं, इस पर भी जोर दिया कि हम गरीबी का उन्मूलन कैसे करें, और हम जो बेरोज़गार हैं, जिनके हाथों को काम नहीं है, उनको काम कैसे दें। तो ये सब बातें उन्होंने कही। और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगी कि श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विशेष रूप से संविधान में क्या है उस पर जोर दिया, और संविधान की महत्ता तो हम सभी समझते हैं। संविधान की महत्ता केवल अक्षरों तक सीमित न रह जाए, संविधान की महत्ता केवल हम नए नए कानून बना रहे हैं उस पर ही जाकर रुक ना जाए। संविधान की महत्ता इसमें है कि जो गांव में रह रहे हैं, गरीब बस्तियों में रह रहे हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर रह रहे हैं, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए संविधान क्या कर रहा है, ये सब बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन कर आए हुए हैं, हमारे जो इतने विशाल लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, वो संविधान को कैसे धरातल पर ले जा रहे हैं, उसके अक्षरों को, उसकी आत्मा को कैसे वहाँ पर वो कार्य रूप और साकार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है।